हेलो एंड वेलकम टू टीवी का पटाका। वेल दोस्तों, बिग बॉस सीजन 16 के खत्म होते ही शुरू होने वाला है बिग बॉस का ओटीटी सीजन नंबर 2। जी हाँ, बिग बॉस के पहले ओटीटी सीजन की विनर रही दिव्या अग्रवाल ने काफी ज्यादा फेम कमाया। जहाँ एक तरफ बिग बॉस ओटीटी को करण जौहर होस्ट करते हुए नजर आए थे, तो वही खबर है कि बिग बॉस के सेकेंड सीजन को भी करण जौहर ही होस्ट कर सकते हैं। वेल दोस्तों, आपको जानकर होगी हैरानी, लेकिन उसी के साथ साथ बहुत ज्यादा खुशी भी होगी जब आपको पता चलेगा कि बिग बॉस सीजन 16 से कुछ कॉन्टेस्टेंट्स आपको बिग बॉस ओटीटी में नजर आने वाले हैं। हाँ, कौन से हैं वो चार कॉन्टेस्टेंट्स जो आएंगे बिग बॉस 16 से सीधा बिग बॉस ओटीटी के घर में नजर, बताएंगे आपको सब कुछ पूरे विस्तार से। लेकिन उससे पहले चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना आप बिल्कुल ना भूलें। वेल दोस्तों, एंटरटेनमेंट का तड़का लगाने वाली और बिग बॉस 16 की रानी अर्चना गौतम है पहला नाम जो आएंगी बिग बॉस 16 के बाद बिग बॉस ओटीटी सीजन 2 में नजर। अर्चना ने जिस तरह से घर के अंदर एंटरटेनमेंट दिखाया है, जिस तरह से अपनी तड़ाकेदार आवाज से हर किसी को अपना दीवाना बना लिया, सारी ऑडियंस का दिल जीत लिया, तो अब अर्चना को बिग बॉस के ओटीटी सीजन में लाने का फैसला मेकर्स ने कर लिया है। आपको बता दें, अर्चना के बाद दूसरा बड़ा नाम सामने आया है अर्चना की बेस्ट फ्रेंड का, यानी कि सौंदर्या शर्मा। हाँ, खबर है कि सौंदर्या ने अपने आप को बहुत ही लेट प्रूफ किया है। जी हाँ, यानी कि उन्हें होश काफी लेट आया जब उनका शो में कुछ नहीं हो पाया, लेकिन अब सौंदर्या को एक और मौका मिलेगा बिग बॉस ओटीटी में अपना जलवा दिखाने का। तो वहीं दोस्तों, तीसरा और सबसे बड़ा नाम सामने आया है यहाँ पर बिग बॉस 16 के जाने माने कॉन्टेस्टेंट शालीन भनोट का। जी हाँ, शालीन भनोट को भी एक और मौका मिलेगा अपनी इमेज को सुधारने का और बिग बॉस के गेम को बेहतर तरीके से खेलने का, और बिग बॉस के ओटीटी सीजन में शालीन भनोट नजर आएंगे। तो वहीं चौथा नाम जो सामने आया है वो नाम है निमृत कौर आलूवालिया का। कहा जा रहा है कि निमृत कौर आलूवालिया बिग बॉस 16 के बाद बिग बॉस ओटीटी में नजर आएंगी। तो दोस्तों, इन चारों कॉन्टेस्टेंट में से आप बिग बॉस के ओटीटी सीजन में कौन से कॉन्टेस्टेंट को देखने के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड है, हमें अपने व्यूज कॉमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना आप ना भूलें।